थे तो इन काम वाले को समझ ही नहीं आता, जब काम होता है ना तभी इन्हें छुट्टी लेनी होती है, जब घर के सारे काम मुझे ही करने हैं तो इनका फायदा ही क्या है। हद हो गई सुषमा की, आती ही नहीं है टाइम से, जब काम हो जाएंगे तब घंटी बजा देगी। समझ ही नहीं आता इन लोगों को। लगता है आ गई, अभी बताती हूँ इसे, आज इसकी अच्छी खबर होगी, जब सारे बर्तन मच गए ना तभी आई है। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? मालकिन मैं मोनिका हूँ, आज मम्मी काम पे नहीं आ सकती इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा है, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। अच्छा मम्मी फिर क्यों नहीं आई, पहले तो लेट करती थी आने में और अब आना ही बंद कर दिया है। मेरी मम्मी की रात से ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा है। ओह सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और तुम्हें तो मम्मी के पास रुकना चाहिए था, तुम क्यों आ गई बेटा? नहीं मालकिन, मम्मी के साथ ना मेरा छोटा वाला भाई रुका हुआ है। बेटा तुम मुझे बार बार मालकिन क्यों बोल रही हो, तुम मुझे आंटी बोल सकती हो ना, मैं भी तो तुम्हारी मम्मी की तरह ही हूँ। आंटी अब से मैं आपको आंटी ही बोलूंगी। बेटा आप कैसी है मम्मी तुम्हारी? रात से थोड़ा ठीक है, आप मुझे बता दो क्या क्या काम करने हैं। ऐसा करो बेटा, तुम बहुत बच्ची हो अभी ना, ज्यादा काम मत करना, हल्का फुल्का बस मेरी हेल्प कर देना। ठीक है आंटी। आंटी मम्मी अक्सर कहती है यहाँ पे लाडली जिनी रहती है, मैं ना जिनी के लिए बिस्किट लेके आई हूँ। अच्छा बेटा अभी बुलाती हूँ, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा बेटा अंदर आ जाओ। जिनी बेटा देखो आपसे मिलने कौन आया है। जिनी कौन आया है मम्मी, कौन? देखो बेटा ये ना सुषमा की बेटी है, तुम्हारे घर में आंटी काम करती है ना सुषमा आंटी, उनकी बेटी है, ये आपसे मिलने आई है और आपके लिए देखो क्या लाई है, बिस्किट लाई है। आप दोनों बैठ के बिस्किट खाओ, मैं जरा बर्तन वॉश कर कर आती हूँ। आप काम करने आए हो, आप काम करो, मेरे से ज्यादा फ्रेंड होने की जरूरत नहीं है। इश्ना, इश्ना क्या हो गया? जरा पानी डालो, प्यास लग रही है बहुत तेज। पीना है? नहीं नहीं, गला चेक करने के लिए मंगा रहा हूँ, लीक तो नहीं कर रहा। कैसे कैसे सवाल पूछती हो? अरे जल्दी लाओ जल्दी। फ्रिज में बॉटल नहीं रखी हुई? अरे ठंड आ गई, फ्रिज में पानी भी हो गया, वैसे तो गला चेक करना है। तुम भी इस ना मजाक में मजाक करे जा रही हो सुबह सुबह। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये लो पानी पियो। कैसा है गला, लीक तो नहीं कर रहा? देख लो लीक कर रहा है क्या नीचे? मुझे क्या पता, लीक तो आपके अंदर ही होगी, आपको पता होगा। देखो मजाक मजाक मजाक, मैं बहुत सीरियस मैन हूँ। मुझे 12 साल से पता है कितने सीरियस मैन हूँ। 12 साल हो गए मैं शादी को? 13 हो जाएंगे फैब में। बताओ तुम्हें झेलते झेलते वक्त का पता ही नहीं चला। वो तो किसको पता है कौन किसको झेल रहा है, वो तो भगवान को भी पता है कौन किसको झेल रहा है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, ऑफिस जा रहे हो ना, एक काम। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर पूछ रही हो ऑफिस जा रहे हो क्या? क्या हो गया? बोलू मैं कुछ अपने डायलॉग? बोलू? बोलो भैया। वो रास्ते में ना सुषमा के पास होते हुए जाना। अब ये सुषमा कौन है? अरे यार हमारी काम वाली, उसका घर पता है ना आपको, यही तो है, उसके घर होते हुए जाना। अब उसको क्या हो गया? अरे वो बीमार हो गया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे तुम ना ऐसी लेडीज हो, मतलब काम वाली हो, तो बहाने भी नहीं समझती हो। अच्छा वो अगर बहाना मारती ना अपनी बेटी मोनिका को नहीं भेजती, उसने अपनी बेटी मोनिका को भेजा है काम पे। अपनी बेटी तो बहुत छोटी है। हाँ उसने उसको भेजा है काम करने के लिए, और हाँ उसको फूड्स और मेडिसिन सब देकर आना, अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे कॉल करके वहीं से बता देना, मैं आ जाऊंगी उसको डॉक्टर से दिखा कर आऊंगी। ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ और उसके पास जरूर होते हुए जाना। ठीक है ठीक है, है ना? और मैं अगर कोई दिक्कत हुई ना वहां से मैं तुम्हें फोन कर लूंगा एक बार। पक्का
फोन कर लेना, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। जल्दी आना फिर ऑफिस से, मेरे को शॉपिंग करानी है, साड़ी दिलाने लानी है, शादी में जाना है। अरे तुम फ्री शॉपिंग 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 मेरे पास है, तुम बड़ा चर्चा हो, मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा। अच्छा तो ये यहाँ बैठकर पढ़ रही है, रुको मैं अभी बताती हूँ। सुनो किचन में ना सारी प्लेटें पड़ी हुई हैं, आप उनको जाके वॉश कर दो, मुझे खाना खाना है। पर दीदी किचन में ना पहले से साफ प्लेटें रख रखी हैं, आप उन्हीं में खाना खा लो, मैं बाद में जाके सारी प्लेटें धो दूंगी। पहली बात तो मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, इसलिए मुझे दीदी मत बुलाओ। और दूसरी बात, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती एक बार में, जब मैंने कहा प्लेट वॉश करके आओ तो प्लेट वॉश करके आओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। ठीक है जिनी, अब चगाती हूँ, मजा। चीनी
बेटा चलो ऊपर चलो खाना खाना चलो। मम्मी ऊपर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने ना मोनिका से चिप्स मंगवाए हैं। क्या चिप्स खाओगी? खाना नहीं खाओगी? मम्मी आपको पता है ना मुझे ये लो तुम्हारे चिप्स। हाँ मुझे ये खाना है, मैं नहीं खाऊंगी घर का खाना। जिनी घर का खाना तो बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, पौष्टिक प्रोटीन हमें ये सब मिलता है। जब मुझे आपसे बात नहीं करनी तो आप बीच बीच में हमारे कन्वर्सेशन के बीच में क्यों आ रही हो? आपसे तो मैंने कुछ बात भी नहीं की थी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और हाँ ये क्या बार 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 स्लेट उठा लेती हूँ, आपने जो मेरा बेड गंदा किया ना वो जाके पहले साफ करो। अच्छा बस बहुत हो गया, अब मोनिका जाएगी तो सिर्फ अपने घर जाएगी। आंटी मेरे से कोई भूल हो गई क्या? नहीं बेटा तुझसे कोई भूल नहीं हुई है, ये लड़की तुझे यहाँ पे पढ़ने नहीं देगी और आपके बोर्ड के एग्जाम से बेटा आप अपनी प्रिपरेशन करो घर जाके। और जब आपकी मम्मी सुषमा सही हो जाए ना आप मम्मी को भेजना घर पे, इसको मैं सुधारती हूँ। कैसे बात कर रहे हो आप, तमीज में रहो थोड़ा सा। बेटा जाओ आप खूब पढ़ाई करो और अच्छे नंबर ला के दिखाना। ठीक है जाओ बेटा जाओ। और ऐसा खाने वाले क्या बना रही हो? आप मेरे को साड़ी दिला के लाए मैं खाना बनाऊं? अरे साड़ी का खाने से क्या लेंगे, मेरे को चाहिए तो चाहिए। अरे तुम साड़ी वाड़ी तो पहनती नहीं, सूट वूट ही पहनती हो। तो मेरे को साड़ी लानी है ना, साड़ी का मन है तो साड़ी भी लाऊंगी मैं। क्या बात है, कोई इतना खर्चा बढ़ जा रहा है, पेट्रोल की कीमत देखिए कहां से ना। हां बस ना पेट्रोल भी अटके रहो हमेशा, आपकी भी पेट्रोल भी अटकती है, कहीं और भी अटक जाए करो। अपने कपड़े तो ले आओगे, आईफोन 13 तो खरीद लोगे, लेकिन मेरे को साड़ी नहीं दिलाओगे, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। इसे क्या हो गया? जिनी तू क्यों डरी डरी बैठी हुई है बेटा? अरे मम्मी आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट फिक्स तो नहीं है, फिर तो पार्टी करेंगे। अच्छा मत ना खाना नहीं बनाया। हां मम्मी देखते हैं। जिनी तूने सबसे बेस्ट किया कि तूने मुझे बता दिया कि आज रिजल्ट है और मम्मी ने खाना भी नहीं बनाया, पार्टी करेंगे पार्टी। एक बात बता दूं, रिजल्ट पोर्टल पे नहीं आएगा इस बार, एसएमएस के थ्रू आएगा। और फालतू के एसएमएस समझ के ना डिलीट मत कर देना। मैं क्यों करूंगा? क्या रहने दो, मैं मतलब फालतू का इंसान नहीं लगता हूँ हमेशा। एक तो अच्छी सी बात करो फिर। क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। अरे ऐसे में आ गया, ऐसे में देखना स्कूल से होगा इसका रिजल्ट आ गया। क्या हो गया इसने? क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? पास है आते ही भी पास है जाओ ना। अरे राहुल का एसएमएस है और मैं पता है हमेशा ना डिलीट कर देता था, पर मैंने आज पढ़ लिया क्योंकि मम्मी ने कहा था और इतना बढ़िया जोक भेजा है उसने। पेट के अंदर सब जाता है लेकिन जरा पेट के अंदर नहीं जाता। मेरे दोस्त को फालतू कह रही है, वही काम आता है देख लो, सब्जी तरकारी वही लेके आता है। हाँ बना के भी वही जाता होगा ना। तो पुरानी दिल्ली से कचौड़ियां कौन लाता है हमारे लिए सुबह सुबह? खिला के भी वही जाता है अपने हाथों से ना। उसके लिए मेरे अपने हाथ हैं। अरे आ गया समय से, समय से आ गया। किसका है समय से? राहुल अंकल का ही है ना? नहीं इस बार तेरा रिजल्ट आ गया जी। रिजल्ट आ गया बेटा तेरा, मैथ्स में 95, इंग्लिश में 94, साइंस में थोड़े कम रह गए तेरे 82, सोशल स्टडीज में 60, जिनी हिंदी में तेरे 45 रह गए। जिनी तो हिंदी भी नहीं आती। जिनी ये क्या कर रहा है इसका एग्जाम्स में? मैं तुम्हें कहता था ना इसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। मैं तो बहुत ध्यान देती हूँ, आप ही पापा की परी और प्रिंसेस बनाए बनाए ना हवा में उड़ा रखा है तुमने। रुक जाओ, किसका फोन है? सुषमा का फोन। हेलो। हाँ सुषमा। भाभी थोड़े पैसे मिल जाएंगे जल्दी? क्यों घर पे सब ठीक है तुम्हारे? मोनिका का रिजल्ट आया तो उसमें टॉप किया है, उसको अच्छे स्कूल में हम दाखिला कराएंगे। क्या मोनिका ने पूरे स्कूल में टॉप किया है? ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम सैलरी क्या, तुम्हें मैं डबल सैलरी दूंगी इस बार महीने की, तुम मेरी तरफ से पार्टी करना और मोनिका के लिए अच्छी सी ड्रेस लेना। मैं ना तुम्हारी पेमेंट जरूर भेज दूंगी, मैं खुद आऊंगी मिठाई का डिब्बा लेके। चलो ठीक है मैं रखती हूँ। देखा जी नहीं, मैंने कहा था ना मोनिका एक बहुत ही मेहनती और प्यारी बच्ची है, वो स्लेट पे लिख लिख के मिटा मिटा के अपना सारा दिन पढ़ती थी। मैं उसे कॉपी पेन कुछ नहीं चाहिए था और उसने आज पूरे स्कूल में टॉप किया है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई लड़की। कहाँ से कहाँ पहुँच गई? सॉरी मम्मी, इंसान को पैसे से नहीं दिल से बड़ा होना चाहिए। हाँ तो आपका दिल तो इतना सही था ना? वो है भी तो छोटी है भी। आपके ऊपर ही है दिल इतना सही। मेरे पास नोटबुक्स थी, पेन थे, उनके पास तो सिर्फ एक स्लेट और एक चॉक था। और तूने उसका चॉक भी तोड़ा था याद है? सॉरी मम्मी, आगे
सॉरी बोलनी है ना तो जिनी मोनिका को सॉरी बोलो और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलो, और अब जब भी वो घर पे आए उसको प्यार देना अपनी बहन की तरह, ठीक है? और जब भी वो घर पे आए ना उसका वेट मत करियो, ठीक है? तो जल्दी से जाइयो मिठाई का डब्बा मार्केट से लियो, उसके घर पे जाकर दियो और कॉन्ग्रेचुलेशन करियो और हग करियो उसे। हाँ। और चॉकलेट्स भी लेके जाइयो, बहुत हैप्पी होगी। और मैं उसको चॉकलेट्स ले 100 ला के दूंगी जो अच्छे से पढ़ाई करे। और बेटा आप भी किसी को छोटा बड़ा मत समझना, और नेक्स्ट ईयर आपको इतनी मेहनत करनी है और अच्छे नंबरों से पास होना है, ठीक है जिनी? आगे से मम्मी पापा मैं ध्यान रखूंगी। जरूर ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। और इस ना आपको पार्टी वार्टी नहीं है, तुम कुछ भी बना लो, भैया की छुट्टी वगैरह। नहीं मैं तो पार्टी करूंगी। अरे ये आगे छुट्टी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करके देखो।